गुड इवनिंग सभी साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आपको पता है कि रात्र में 8 बजे आपकी जियोग्राफी की लाइव कक्षा चलती है, जिसमें हम लोग ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से भारत का भूगोल को कवर कर रहे हैं। और लास्ट टाइम फिजिकल हमने देखा था, मतलब भौतिक स्वरूप के बारे में, जिसमें हमने बहुत अच्छे से आपको कवर भी किया था कि किस प्रकार पर्वत पड़ेंगे। तो हिमालय पढ़ने से पहले वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि पर्वतों के बारे में देखेंगे, फिर वहाँ पे तटीय मैदान, मरुस्थली भाग और जो मैदानी भाग हैं सबके बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा बहुत प्यारा है। अगर आज का टॉपिक समझ गए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत प्यारा टॉपिक कवर हो जाएगा और यहाँ से आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। वरुण गुड इवनिंग, प्रवीण, नीरज सही बच्चों को गुड इवनिंग, पंडित, सोनू, शिवाजी, स्वाति सही बच्चों को गुड इवनिंग, बहुत सारा प्यार। चलिए फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक कर दो। शुरुआत करते हैं बहुत ही जबरदस्त सेशन, ठीक है। चलिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो है माउंटेन। माउंटेन, माउंटेन मतलब पर्वत, पर्वत, ठीक। सबसे पहला प्रश्न कि पूरे पृथ्वी पर कितने % भाग जो है पर्वतों का विस्तार है, तो लगभग 27-28% है, ठीक है। अर्जुन जी, गुरु जी आपके चरण में प्रणाम, बेटा खुश रहो। ब्रजेश, रोहित फटाफट वीडियो को शेयर करो तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, ये मान लीजिए। चलिए तो यहां पे आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था कि उच्चावच, तो उच्चावच प्रथम श्रेणी के होते, द्वितीय श्रेणी के होते, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट याद कर लो, उच्चावच मतलब रिलीफ। तो पर्वत के बारे में आप याद कर सकते हो, जो पर्वत हैं वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। किस श्रेणी के हैं? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच किसको बोलते हैं? पर्वत। पर्वत के बारे में आज बहुत अच्छे से जानकारी हम लोग गेन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे पर्वत मतलब माउंटेन के बारे में, और माउंटेन के साथ साथ यहां पर हमें भी जानेंगे पठार और पहाड़ी, ठीक है। माउंटेन को क्या बोलते हैं? पर्वत। फिर यहीं पे इधर का मैं रैप करूंगा तभी आपको समझ में भी आने, इधर का मैं रब करूंगा तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो समझते चलना, पर्वत हो गया, फिर उसके बाद यहां पे हो गया पहाड़ी मतलब जिसको बोलते हिल, फिर यही पे जो तीसरा पार्ट है वो क्या? प्लेटू, जिसको बोलते हैं पठार। पर्वत, पठार, पहाड़ी, और अभी यहीं पे पर्वत श्रृंखला, पर्वत गौज, गौट हो गया, रिज हो गया, और पर्वत श्रेणी। सब में आज फर्क जानने वाले हो सभी लोग, सब में आज बहुत अच्छे से फर्क जानने वाले हो, ठीक है। कनक जी कह रहे हैं सर आज बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू बेटा। थोड़ा सा ठंडी पड़ने लगी तो सोचा अब ठंडी के भी साधन यूज किया जाए, ठीक है। चलिए चलिए तो देखो, बहुत ही राघवेंद्र गुड इवनिंग, सचिन, नीरज सही बच्चों को गुड इवनिंग, बहुत सारा प्यार। साथियों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए पर्वत, पहाड़ी, पठार, तो सबसे पहले बात तो मैं बताना चाहता हूं, ऐसे ऊंचे स्थान, ऐसे मतलब ऐसे स्थान जो समतल से ऊंचाई पर स्थित हो और उनका जो अपर पार्ट है, ऊपरी भाग है, वो नुकीला हो, उसको बोलते हैं पर्वत। अगर अब मैं यहीं पर बात करें इसकी, ठीक है, तो यहां पे क्या लैंग्वेज निकल रही है? बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज निकल रही है, ऐसे ऊंचे स्थान, ऐसे ऊंचे स्थान
जो जो समतल से कम से कम 1000 मीटर की ऊंचाई पर हो, समतल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर हो और जिनका ऊपरी पार्ट, ये एक तरह से कह सकते हो ऊपरी भाग नुकीला हो, ऊपरी भाग नुकीला हो, समतल से ऊंचे ऐसे स्थान जिनकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर से ज्यादा हो और जिनका ऊपरी पार्ट नुकीला हो, उसको, जैसे ऊपरी पार्ट क्या हो गया, नुकीला मतलब शार्प टाइप हो गया, ठीक है। आप कह सकते हो दोज हाई एलिवेशन एरिया विच हैव 1000 मीटर हाइट एंड अपर पार्ट इज शार्प, क्लियर बात। ऐसे ऊंचे स्थान जो समतल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर हो और ऊपरी भाग क्या हो, नुकीला हो, तो पहाड़ी आपको आसानी से याद हो जाएगी, पहाड़ी आपको अब आसानी से याद हो जाएगी। फिर ऐसे ऊंचे स्थान जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो, 1000 मीटर से कम हो, लेकिन जो ऊपरी भाग होगा, अपर पार्ट होगा, वो क्या होगा, नुकीला ही होगा, ऊपरी भाग क्या होगा, वो नुकीला ही होगा, सार। तो ऐसे ऊंचे स्थान समतल से जिनकी ऊंचाई कम 1000 मीटर से जो नीचे है और अपर पार्ट नुकीला है, तो वो पहाड़ी के रूप में ले लेते हैं, और जो ऊपरी पार्ट नुकीला है परंतु 1000 मीटर से ज्यादा है, तो वो पर्वत है। पठार देखो, पठार क्या होते हैं, ये भी ऐसे समतल से ऊंचे, ऐसे ऊंचे स्थान जो समतल से ऊंचे हो, समतल से ऊंचे हो, ये मान लीजिए समतल है आपका, लेकिन ये ऊंचे हो, लेकिन जो इसका ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग वो क्या हो, मेज की आकृति का हो, मतलब टेबल की आकृति हो, एक प्रकार से आप कह सकते हो ऊपरी भाग कैसा हो, समतल हो, नुकीला की जगह क्या हो, समतल हो। तो आप तीनों में डिफरेंस समझ गए, पहली बात तो पर्वत क्या है, पहाड़ी क्या है और पठार क्या है, क्या फर्क समझे। ऐसे ऊंचे स्थान जिनकी ऊंचाई कम से कम, जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा हो और ऊपरी भाग नुकीला हो, उसको कहते हैं पर्वत। ऐसे ऊंचे स्थान समतल से जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो, ऊपरी भाग नुकीला हो, पहाड़ी, हिल। ऐसे ऊंचे स्थान समतल से जिनकी ऊंचाई समतल से जाए जितनी हो, लेकिन उनकी जो ऊपरी भाग होगी वो प्लेन होगी, समतल टाइप की होगी, ना कि नुकीली टाइप की। नुकीली टाइप की है तो जब ज्यादा नुकी, 1000 मीटर से ज्यादा ऊंची है नुकीली टाइप की आकृति, उसको बोलते हैं पर्वत, और 1000 मीटर से कम वाली आकृति है नुकीली, तो उसको बोलते हैं पहाड़ी, और जिनकी आकृति ऊंची तो है परंतु समतल है, उसको बोलते हैं पठार। फटाफट कमेंट करके बता दो कितने लोगों को ये समझ में आ गया, फटाफट कमेंट करके बता दो कितने लोग समझ में आ गए। चंद्रभान, सचिन, सभी बच्चे बताते फटाफट, और वीडियो को लाइक जरूर करते रहना, लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, फटाफट वीडियो को लाइक करते रहना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हरीश जी, वंदे मातरम, बहुत बढ़िया। दुर्गा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, उम्मीद करते सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहो। सेजल जी, आपको आ गया। पुष्पेंद्र, जय हिंद, जय हिंद बेटा, बहुत बढ़िया। पंडित अनूप, आपको भी आ गया। नंदिनी, यूवी राजपूत, अर्जुन, पूजा, चलिए बहुत बढ़िया। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर कर दो, और कह दो बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, आपका थंबनेल दिख रहा होगा, पर्वत एवं उनके प्रकार। और आज के बाद जीवन में अब आपको गलती नहीं होने वाली, गलती नहीं होने वाली, ठीक है। आज के बाद कोई गलती कि कौन सा वलित पर्वत है, कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, कौन सा भ्रंश पर्वत है, सारे पर्वतों के प्रकार यहां पे मैं बताने वाला आपको हूं, कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। शीतल जी, बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है, क्या बात है। अंजलि साहू, मस्त सर, ओके बेटा। प्रीति, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए,
क्लियर हो गई बात? उम्मीद करते सभी बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। अब यहीं पे एक बात समझ लेना बहुत ध्यान से, एक चीज और यहीं पे क्लियर करना, एक पर्वत ये है और एक पर्वत मान लो ये है, दो पर्वत है। तो आज तक का एक प्रश्न सुने होंगे घाटी, तो दो पर्वतों के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? वैली। घाटी, वैली। वैली किसको बोलते हैं? दो पर्वतों के बीच का स्थान, दो पर्वतों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं घाटी। क्लियर है बालक? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, बहुत बढ़िया चीज क्या? पर्वत, माउंटेन चैन। आप माउंटेन चैन पढ़ोगे, माउंटेन रेंज पढ़ोगे। पहले हम लोग देख लेते हिल है, समझ लिए। अब ये पे समझोगे क्या? माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज, और माउंटेन रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज को बोलते हैं पर्वत श्रेणी। और पर्वत श्रेणी के किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेम एज हिल। कहने मतलब समान आयु की पहाड़ियां, और समान आयु की पहाड़ियां मतलब जब सभी वो पहाड़ियां लगभग लगभग एक ही वर्ष में, एक ही उनका काल में उनका क्या हुआ था, एक प्रकार से निर्मित हुई थी। तो पर्वत श्रेणी किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेम एज हिल, समान आयु की पहाड़ी। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये किसके उदाहरण है? ये आप एक प्रकार से आप कह सकते हो पर्वत श्रेणी के उदाहरण है। पर्वत श्रेणी किससे बना है? पहाड़ियों से बना है, मतलब सम पहाड़ी है। और पहाड़ी क्या है? ऐसे ऊंचे स्थान जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो परंतु ऊपरी भाग नुकीला हो। और समान आयु की पहाड़ियों को पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। उदाहरण अगर देना चाहो आप तो दे सकते हो अरावली, अरावली के बाद यहीं पे सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद यहीं पे बालक विंध्या चल। तो अब आपको यह भी समझ में आ गया, पहाड़ी से क्या निकल आया आपका? पर्वत श्रेणी निकल आया। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया चंद्रभान जी, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा? सभी बच्चों को समझ में आ रहा? चलिए, दुर्गा जी बिल्कुल रेगुलर क्लास लग रही है, ठीक है। बिल्कुल रेगुलर क्लास लग रही है, आप बिल्कुल परेशानी मत हो। चलो, इतना समझ में आ गया। अब बात करेंगे क्या? माउंटेन चैन, पर्वत श्रृंखला की। पर्वत श्रृंखला क्या? फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ हरी जी, दर्रा भी बताए जाएंगे लेकिन समय आने दो हर चीज का। स्क्रीनशॉट उम्मीद करते आप लोगों ने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट उम्मीद करते आप लोगों ने ले लिया। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात किसके करते हैं? माउंटेन चैन, पर्वत श्रृंखला क्या है? माउंटेन चैन, व्हाट इज माउंटेन चैन, क्या है तो समझो। आपको पता है, ना पता हो तो आज पता कर लो। जो हिमालय के विस्तार हैं वो नंगा पर्वत एक पड़ता है जम्मू में, और एक इधर पड़ता है क्या, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश की तरफ। यहां से यहां तक पूरा का पूरा क्या हिमालय फैला हुआ है। और हिमालय के पार्ट आप लोग बहुत पढ़े होंगे, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो इसी प्रकार ये जो पर्वत है मान लो ये फैला हुआ हिमालय, हिमालय के पार्ट ऊपर वाले मान ट्रांस, फिर ग्रेट, फिर लघु, फिर शिवालिक। तो पर्वतों के जो समांतर समूह है, पर्वतों की जो स्थिति है वो समांतर रूप में है, उसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पर्वत श्रृंखला का क्या? हिमालय। पूरा का पूरा एक पार्ट है
माउंटेन है और माउंटेन के अंतर्गत पूरे पार्ट हैं जो बिल्कुल क्रम से समांतर श्रेणी में लगे हुए हैं, और पर्वतों के ऐसे जो समांतर श्रेणी में है ऐसे समूह को क्या कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, जिसको बोलते हैं माउंटेन चैन। बेस्ट एग्जाम्पल हिमालय। क्लियर बात। अभी पे बात समझेंगे कार्डिलेरा की, कार्डिलेरा की, और कार्डिलेरा को कार्डिलेरा ही बोलते हैं। ये क्या है? पर्वतों का ऐसा समूह जो समांतर रूप से अव्यवस्थित नहीं है, या सिस्टमैटिक रूप से, या सही ढंग से स्थिति नहीं है। किसकी? पर्वतों के समूह। और कार्डिलेरा सबसे बड़े आपको एग्जांपल कहां पढ़ने मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में जो माउंटेन पढ़ोगे तो वहां पे कार्डिलेरा पढ़ने मिलेगा। और कार्डिलेरा आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? पर्वतों का अव्यवस्थित क्रम। पर्वतों का अव्यवस्थित क्रम एक तरह से कह सकते हो कि रस्सी के रूप में जो पर्वत पूरे फैले हुए हैं। रस्सी क्या है? कहीं तिरछी गई, फिर ऐसे आई, ऐसे ऐसे मुड़ा, पूरा फैली हुई है। तो यह क्या है? पर्वतों का अव्यवस्थित क्रम। और पर्वतों का अव्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है? कार्डिलेरा कहलाता है, याद रखिएगा। और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा? वेस्टर्न कार्डिलेरा। वेस्टर्न कार्डिलेरा इन नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहां पर पश्चिमी दिशा में यह कार्डिलेरा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा। तो बच्चा एक एक बिल्कुल सही से अच्छे से याद कर लो। सचिन जी आपने 10 फ्रेंडों को शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। तो कार्डिलेरा और माउंटेन चैन दोनों समझ में आ गई होगी, दोनों समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। अब ये पे बात करेंगे रिज और गार्ड की। रिज मतलब कटक जिसको बोलते हैं, और ये चीजें जो है ना आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो समझो बात बहुत ध्यान से। आपने हिल पढ़ा, हिल की डिफिनेशन आपने क्या पढ़ी? हिल की डिफिनेशन आपने पढ़ी समतल से ऊंचे ऐसे स्थान जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो परंतु ऊपरी भाग क्यों नुकीला हो, उसको कहते हैं हिल, पहाड़ी। क्लियर बात। ये पे हिल से संबंधित एक टर्म देखो, आप देखोगे क्या? रिज। और रिज पेपर में कई बार पूछा गया, कटक। और ये जो कटक है और एक है गॉट, दो, ये दोनों कहां पाए जाते हैं? ये दोनों पाए जाते हैं कहां पे? ओशियन में। तो जो ओशियन सागर है, सागर में जो पर्वत का रूप लिए हैं, पहाड़ी का रूप में लिए हैं, उसको बोलते हैं कटक और गॉट। और दोनों में फर्क क्या है? कटक और गॉट में आप एक प्रकार से कह सकते हो गॉट और कटक मतलब रिज, ये दोनों कहां पर होंगे? ओशियन में, महासागर में। कटक किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ हिल इन ओशियन, मतलब जो पहाड़ियों के समूह में होगा उसको बोलते हैं कटक, और होगा महासागर में। और गार्ड किसको बोलते हैं? सिंगल हिल इन ओशियन, सिंगल हिल इन ओशियन। तो आपको पता चल गया कि जब जो पहाड़ियों के समूह में होगा उसको बोलते हैं रिज मतलब कटक, और कहां पे होगा? महासागर में। और जो सिंगल पहाड़ी होगी महासागर में उसको बोलते हैं गॉट। ये सारी थ्योरी आते हैं, प्रश्न आते हैं, गॉट क्या है? महासागर में स्थित एक पहाड़ी है, आप आसानी से बता सकते, ठीक है, आप आसानी से बता सकते, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। गॉट हो गया, रिज हो गया, और कार्डिलेरा हो गई, माउंटेन चेन हो गई, माउंटेन रेंज हो गई, माउंटेन हो गई, और हिल हो गई, और प्लेट्यू हो गया। उम्मीद करते हैं अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो ये हो गए सारे पर्वत, काम खत्म। अब ये हो गए सारे पर्वत, तो फटाफट इसी बात पे एक बार जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया दबा के लाइक कर दो और दबा के शेयर कर दो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। अब इतना मजा आने वाला है आप विश्वास नहीं मानोगे। ये सारे टर्म आप आज मैंने क्लियरिटी दे दी आपको, पहले तो कमेंट करके कितने बच्चों को सही में समझ में आ गया, दिल से, दिल से कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को समझ में आया है। पंडित तनूप क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा, बस केवल पंडित जी को क्लियर है और किसी को नहीं। नेक्स्ट
जल्दी बताइए फटाफट। और किसी क्लियर ही नहीं, मतलब ना तभी कोई कमेंट भी नहीं कर रहा है। चलिए अर्जुन जी आपको भी आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। अंतिमा जायसवाल दिल से आ गया, बहुत क्या बात है। आरती पटेल समझ में आ गया। लिंगवा, शैलजा, मनीष, सेजल, सपना, अजय, क्या बात है। दुर्गा स्टडी मटेरियल, हरीश। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही धमाकेदार सेशन। ये तो हो गए पर्वत के बारे में। दो तीन प्रकार के उच्चावच होते हैं, टाइप्स ऑफ माउंटेन, पर्वतों के प्रकार। कितने प्रकार के पर्वत होते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले फोल्डिंग माउंटेन, फोल्डिंग माउंटेन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, वलित पर्वत, वलित पर्वत। क्लियर हो गई बात। फिर दूसरे जो पर्वत आपको पढ़ने मिलेंगे वो क्या पढ़ने मिलेंगे तो याद रखिएगा, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, जिसको बोलते हैं भ्रंश पर्वत, जो तीसरे नंबर के आपके पर्वत पढ़ने मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, वोल्केनिक पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन। जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ठीक। फिर जो लास्ट पढ़ने मिलेंगे वो क्या पढ़ने मिलेंगे, रेजिडुअल, रेजिडुअल माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन को अवशिष्ट पर्वत। ये चार प्रकार के पर्वत अगर आपने पढ़ लिए, पर्वत से एक प्रश्न जीवन में नहीं गलत। और पर्वत पढ़ाने के पीछे रीजन यही है क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक इंडिया में चालू होगा वो क्या होगा, हिमालय। तो उसको समझाने के लिए ये चीज हमें अपनानी पड़ रही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भाई लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। चलिए ये चार प्रकार के आपके पर्वत हैं जिनमें देखो पर्वत आप आज के बाद जीवन में नहीं भूलने वाले, आज के बाद जो है आप जीवन में नहीं भूलने वाले। तो बात समझो बहुत ध्यान से, सबसे पहले पर्वत हम बात करते हैं किसकी, वलित पर्वत की, फोल्डिंग माउंटेन। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है कि एक घटना है जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी। कौन सी घटना है, प्लेट विवर्तनिकी, विवर्तनिकी। और प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी दी किसने थी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दी किसने थी, ये भी पेपर में प्रश्न आता है तो याद रखिएगा, हैरी हैस ने, हैरी हैस ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी। क्लियर है बात। यही पे वलित पर्वत के बारे में समझना है, कैसे इनका निर्माण होता है, आखिरकार उदाहरण क्या, पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं, देखते हैं आज। बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। चलिए तो बात समझो, प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी हैरी हैस ने दी थी, और वलित पर्वत जो है जिसका निर्माण हुआ है वो किस वजह से हुआ, वलित पर्वत का निर्माण। तो बात समझना बहुत ध्यान से, जो प्लेटें हैं प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से, प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से। तो बात समझना बहुत ध्यान से, यह पृथ्वी है और पृथ्वी से 100 किलोमीटर नीचे तक क्या फैला हुआ पूरा, यू स्थल मंडल। और स्थल मंडल को हम लोग क्या नाम देते हैं, लिथोस्फीयर का। ठीक, लिथोस्फीयर का। अब इसके नीचे
यहां से यहां पूरा 400 किलोमीटर तक। यहां कौन सा मंडल है? यहां पे मंडल है दुर्बलता मंडल, और दुर्बलता मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। बहुत मजा आने वाला, भी देखना, झटके में याद करोगे एस्थेनोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर ऐसा है जहां पर क्या पाए जाते हैं, जहां पर पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहां पाए जाते हैं? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं कहां पर, यह प्रकार से कह सकते हो, रेडियो एक्टिव तत्व कहां पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं दुर्बलता मंडल में। और यहां का जो टेम्परेचर होता है दुर्बलता मंडल का, वो कितना होता है? लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इतना ज्यादा तापमान रहता है यहां पर, इतना ज्यादा तापमान रहता कि जो रेडियो एक्टिव तत्व है ना, ये क्या जाते हैं? ये पिघल जाते हैं। और जब पिघल जाते हैं तो यही पिघला हुआ स्वरूप जो होता है रेडियो एक्टिव तत्व का, पिघला मतलब मेल्ट फॉर्म जो होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मैग्मा। तो अब आपको पता चल गया मैग्मा का निर्माण पहले बात तो किससे होता है, तो आपको यह भी पता चल गया पृथ्वी के अंदर जो द्रव के रूप में पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। और जब यही मैग्मा बाहर निकलता है ठंडा होकर क्या बन जाता है? लावा। अरे बात सुन, एक चीज कनेक्शन रहेगा, केवल समझते चलना, नहीं समझ में नहीं आएगा फिर हमसे ना कहना भाई, ठीक है, फिर हमसे मत कहना। चलिए, तो इतनी बात उम्मीद करते बालक सबको समझ में आई होगी कि रेडियो एक्टिव तत्व इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि ये क्या हो गए? पिघल गए, मतलब मेल्ट हो गए। और मेल्ट होने के कारण ये रूप किसका लेता है? मैग्मा का रूप लेता है, ठीक है। और मैग्मा का रूप लेता है, यहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि P प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है, मतलब दाब ज्यादा, ताप ज्यादा होता है तो दाब भी ज्यादा लगता है, और दाब ज्यादा लगने की वजह से मैग्मा में यहां पे क्या चलने लगती है? यहां पे कन्वेंशन करंट चलने लगती है, मतलब संवहनी धाराएं चलने लगती है। और संवहनी धाराएं चलने लगती है जिसकी वजह से मैग्मा क्या होने लगता है? उथल पुथल करने लगता है। और जब उथल पुथल करने लगता है बालक, ये मैग्मा क्या इससे टकराता है? दुर्बलता मंडल को पार करते हुए कहां पहुंच जाता है? स्थल मंडल तक पहुंच जाता है। लेकिन स्थल मंडल में ये जो चट्टान है, ऊपर ऊपरी परत है, चट्टान है, यहां तक उथल पुथल करके पहुंच गया। परंतु अब आपको पता है बालक, जैसे ये मान लीजिए क्या है, जैसे ये चट्टान है और इस पर कोई खूब प्रेशर दे रहा, नीचे से खूब प्रेशर दे रहा, लेकिन इतनी ज्यादा मजबूत है ये टूट नहीं रही है बीच से के, लेकिन क्या होगा? जब ज्यादा प्रेशर होगा, जब ज्यादा प्रेशर होगा तो ये ऐसे है, प्रेशर पीछे से पड़ा, ये ऐसे ऊपर की ओर उठती जा रही, ऊपर की ओर उठती जा रही, और जब ऐसे होती जा रही तो नीचे वाली परत बार बार ऐसे ऐसे उठती उठती चली जा रही, मतलब ये ऐसे होता जा रहा, पूरी सीधी थी मुड़ गई, मतलब फोल्ड हो गया, ठीक है, ये फोल्ड हो गया। और ये फोल्ड होते होते क्या हो गए? फोल्ड होता जा रहा है, फोल्ड होता जा रहा है। इस प्रकार जो आकृति का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वलित पर्वत, जिसको कहते हैं फोल्डिंग माउंटेन, फोल्डिंग माउंटेन। क्लियर हो गई बात? वलित पर्वत का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो ये जो चट्टान है, यहां पे बल कौन सा काम करने लगता? मैंने बताया था संपीड़न बल, दोनों तरफ से इतना ज्यादा दबाव पड़ा जा रहा है, पूछो नहीं। और जब दबाव पड़ रहा, लेकिन चट्टान भी नहीं हट रही, भैया टूटेंगे नहीं, जय जो जय, नीचे प्रेशर में, प्रेशर में, और ये सीधा था, बस मुड़ रहे मुड़ रहे, मुड़ता जा रहा, और बीच का हिस्सा केवल मुड़ता है। भाई बता दो कमेंट करके, कमेंट करके बता दो समझ में आ गया वलित पर्वत का निर्माण, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी भी बताओ, अगर ना आया हो तो मैं बेकार है मेरा प्लान। बता दो एक बार, किसको नहीं आया भाई वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? आज के बाद जीवन में नहीं आए आपको डिस्टर्ब करेगा कि वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है। वलित पर्वत का दो प्लेटें हैं, दो चट्टान है, दो प्लेट हैं, और नीचे से मैग्मा धक्का दिया, देरा धक्का, अभी देखना मैग्मा जब बाहर निकलेगा तो ज्वालामुखी पर्वत बनेगा। अभी ये केवल निकला नहीं, केवल क्या किया? फोल्ड बनाया इसने। अमित बेटा प्रणाम, खुश रहो, मस्त, ठीक है, सच्चे बहुत बढ़िया भाई। कमेंट करके बता दो समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बता दो वलित पर्वत समझ में आया कि नहीं आया। चारों के चारों पर्वत आज के बाद भूलोगे नहीं, जीवन में नहीं भूलोगे।
चंद्रवान जी पूछ रहे सर आपका नाम क्या है। चंद्रवान जी को शायद नाम नहीं पता है मेरा, कोई बात नहीं। पुष्पेंद्र सिंह आ गया, अंतिमा जायसवाल आ गया, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते सब बच्चों को बहुत अच्छे से आ गया। तो वलित पर्वत का निर्माण प्लेटों के टकराने की वजह से, और प्लेटें टकरा कब रही हैं जब नीचे से मैग्मा प्रेशर दिए पड़ा है, लेकिन प्लेटें भी टूट नहीं रही हैं, केवल मुड़ रही हैं। चलिए सचिन जी आ गया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को आ गया ना, आगे बढ़े। देखो अगर सच में समझ में आ रहा हो ना भाई, शेयर तो बनता है, शेयर बनता है मेरे भाई, अगर शेयर नहीं बनता तो बेकार है। कनक जी, सर जी फोल्डिंग माउंटेन ओशनिक क्रस्ट में होते हैं या कॉन्टिनेंट क्रस्ट में होते हैं? आई नो शायद स्टूपिड क्वेश्चन हो। नहीं बेटा, एक चीज याद रखिएगा, जब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट होंगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट होंगी तो वहां पे बनेगा फोल्डिंग माउंटेन, और जब एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी तो क्या बनेगा? वोल्केनिक माउंटेन। अब याद रखिएगा कनक जी, स्टूपिड क्वेश्चन नहीं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि लेवल बच्चे यहाँ पे नहीं पकड़ पाएंगे, वो सोच रहे होंगे सर यहाँ पे ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीसीएस लेवल आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गई बात। जब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगी तो फोल्डिंग माउंटेन, और जब एक कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट टकराएगी तो वोल्केनिक माउंटेन। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। अच्छा अमित जी कह रहे हैं अभी किए हैं सर 10 लोगों को व्हाट्सएप में, चलिए थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत थैंक यू। अब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, देखो इसमें इंपॉर्टेंट है कि वलित पर्वत के उदाहरण क्या क्या है, वलित पर्वत के उदाहरण क्या क्या हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। अरे कनक जी आपको आ गया कि नहीं आ गया, बहुत बढ़िया, बस आपको बस आता रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं आया हूं, पढ़ाता हूं, ठीक है। चल अब बात करते हैं, बहुत ध्यान से बात करते हैं, बात समझना। अलग अलग पर्वतों के लिए अलग अलग प्लेटें वर्क करती हैं। तो वलित पर्वत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो हिमालय पर्वत, हिमालय को पता ही हुआ, हिमालय पेपर में आता है प्रश्न, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन में लिखा रहेगा ज्वालामुखी, अवशिष्ट, भ्रंश या वलित पर्वत। तो हिमालय एक वलित पर्वत है, हिमालय जम फोल्डिंग माउंटेन। क्लियर होगी बात, हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, ठीक है, आल्प्स हो गया, यूराल हो गया, ये पांच प्रकार के पर्वत आप लिख लो और पेपर में लौट फिर के यही प्रश्न आते हैं, यही प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। ये सारे के सारे किसके हैं? ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? फोल्डिंग माउंटेन के। तो उम्मीद करते सबको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। संतोष जी हेलो बेटा, चलिए उम्मीद करते हैं आपको फोल्डिंग माउंटेन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। फोल्डिंग माउंटेन के उदाहरण क्या क्या हैं? तो आल्प्स, एंडीज, यूराल, रॉकीज, हिमालय। एंडीज कहाँ पड़ता है? सबको पता है एंडीज पड़ता है साउथ अमेरिका में, जो एंडीज जो है साउथ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है। और रॉकीज जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी सबसे पर्वतमाला सबसे लंबी रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बर्ट है। आल्प्स आपकी यूरोप में पड़ती है, स्विट्जरलैंड, तीन चार देशों पड़ती है, और यूराल एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है, एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। अच्छा स्क्रीनशॉट बना, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको फोल्डिंग माउंटेन में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और अगर हो रही होगी तो आप अभी भी हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, रब करता हूं। तो देखो अगला जो पर्वत हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन मतलब भ्रंश पर्वत। व्हाट इज ब्लॉक माउंटेन? कुछ है नहीं है, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। ये पृथ्वी है,
और पृथ्वी के 100 किलोमीटर एरिया तक का क्या फैला हुआ है? लिथोस्फीयर फैला हुआ है, मतलब स्थल मंडल फैला हुआ है। और 100 किलोमीटर ऊपर से लेकर नीचे तक जो 400 किलोमीटर की रेंज है, यहां पर क्या फैला हुआ है? यहां पर फैला हुआ है दुर्बलता मंडल, दुर्बलता जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। और दुर्बलता मंडल एक ऐसा मंडल है जहां पर क्या पाए जाते हैं? जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। और टेम्परेचर ज्यादा होने वजह से ये पिघल जाते हैं, और पिघलने कारण क्या बनाते हैं? मैग्मा बनाते हैं। और जब टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, और जब प्रेशर ज्यादा तो ये ऊपर की ओर भागते सवनी धारा चलने कारण। इस बार उस समय क्या प्रेशर पड़ रहा था तो क्या हो रहा था? फोल्ड होता जा रहा था, लेकिन थोड़ी सी चट्टाने कमजोर हुई, इतना ज्यादा प्रेशर पड़ गया कि इस बार मोड़ने की वजह से क्या हुआ? दरारें पड़ गई। ये प्लेट है आपकी, यहां पर क्या हुआ? दो दरारें पड़ गई। मुड़ने की वजह मतलब फोल्ड ना होके क्या हुआ? दरार पड़ गई। पर्वतों जो प्लेटों के बीच में दरार पड़ गई, भ्रंश पड़ गई, इसीलिए इस पर्वत को क्या नाम देते हैं? भ्रंश। ठीक है, प्लेटों में दरार पड़ना किस वजह से पड़ी ये भी आपको पता चले। सेम प्रोसेस फोल्डिंग माउंटेन की तरह याद कर लो। तो भ्रंश पर्वत, उम्मीद करते हैं भ्रंश पर्वत भी आपको समझ में आ गया होगा। भ्रंश पर्वत भी उम्मीद करते सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए भ्रंश पर्वत भी समझ में आ गया। वलित पर्वत में दरार न पड़ के फोल्ड होता रहता है, प्लेटें फोल्ड का रूप ले लेती हैं, और यहां पे दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स, भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। और यहां पे आप देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो समझो बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो सॉल्ट रेंज, सॉल्ट रेंज ये भी भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, और कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। फिर यहीं पे याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है जर्मनी में। फिर नेक्स्ट वास्जेस, वास्जेस ये कहां पाया जाता? ये पाया जाता फ्रांस में। फिर सतपुड़ा, सतपुड़ा कहां पाया जाता है? इंडिया के एमपी में, एमपी इंडिया। दो प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, भारत के किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। तो इतने सारे आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। एक अभी और मैं आपको बताऊंगा, सियरा निवेदा, सियरा निवेदा। तो सियरा निवेदा कहां पाया जाएगा? ये पाया जाता है यूएसए में। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? ब्लैक माउंटेन के। किसके हैं? ब्लैक माउंटेन के। ठीक है, अब देखो प्रश्न कैसे बनते हैं, तो प्रश्न भी देख लो। हिमालय, सियरा निवेदा, रॉकी, एंडीज, ये चार आपके पास ऑप्शन आएंगे, और आपको प्रश्न बताना है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, बताइए जल्दी से। वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा नहीं है, जल्दी बताइए फटाफट, देखते कितने लोग बता सकते हैं। संतोष चौधरी इलाहाबाद एंट्रेंस 2021 की प्रिपरेशन करा सकते हैं। बेटा आप पढ़ते रहो, जो जो यहां पे प्रिपरेशन हो जाए सारी प्रिपरेशन आपकी होती जाएगी। जल्दी से कमेंट करके बता दो कितने लोगों को समझ में आ गया ये, और इसका एग्जाम्पल आंसर तो फटाक से। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, जल्दी बताओ फटाफट, देखते हैं। कोई आंसर नहीं दे रहा अभी, चलिए। अमित जी दो, अजय बी, बी क्या बात है, जल्दी से बता दो फटाफट। हाँ, यूवी राजपूत, सियरा निवेदा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभी आपने देखा सियरा निवेदा एक प्रकार से किसका एग्जाम्पल है? सियरा निवेदा एग्जाम्पल है किसका? भ्रंश पर्वत का, ना कि वलित पर्वत का। तो पेपर में प्रश्नों की प्रकृति इस प्रकार रहने वाली है। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। सेजल, दुर्गा, आरती, अर्जुन, भूपेंद्र, स्टडी, योगिता, अंजलि, गोविंद,
ठीक है, ये प्रकृति रहने वाली है। अब यहीं पे प्रश्न की प्रश्न के ऑप्शन वही है परंतु लैंग्वेज बदल जाए। क्या बदल जाए? निम्नलिखित में से कौन भ्रंश पर्वत का उदाहरण है? अब बताओ, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश पर्वत का उदाहरण है? मैंने पूछा था पहले कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तब भी आंसर सीधा नहीं होता। अब मैं पूछ रहा हूं निम्नलिखित में से कौन भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, जल्दी से बताओ फटाफट, देखते कितने लोग बता पाते हैं, देखते कितने लोग बता पाते हैं। बहुत बढ़िया अंजलि साहब, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। गोविंद जी सर आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हरीश जी कह रहे हैं सर हमारे गांव के पास दरार भारी बारिश के कारण पड़ गई, वे किस कारण हुई? बेटा गांव का निरीक्षण करने आऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? चलिए बिल्कुल, चलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ सेम आंसर अमित जी, सेम आंसर, बहुत बढ़िया बेटा। शिशुपाल बिल्कुल करेक्ट, अर्जुन, राहुल, हरीश बिल्कुल करेक्ट बच्चा। अब बात करते, देखो ब्लॉक माउंटेन क्लियर हो गया, अब यहीं पे क्या समझोगे? यहीं पे समझोगे आप कौन सी माउंटेन, तो समझना बहुत ध्यान से, क्या समझने वाले हो? इतना मैं यहां पे रब करता हूं, समझना बहुत ध्यान से। तीसरा जो पर्वत का प्रकार है वो क्या है? वो बालक है ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन मतलब ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत समझो बहुत ध्यान से, अभी तक मैग्मा उछल कूद पृथ्वी के अंदर कर रहा था, अभी तक मैग्मा पृथ्वी के अंदर उछल कूद कर रहा था, फोल्ड बना दिया, दरार डाल दिया। अब क्या हुआ? इतना ज्यादा प्रेशर पड़ गया कि भैया अब मैग्मा क्या हो गया, वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। और जब ये बाहर निकला तो ज्वालामुखी का जहां से उद्गार होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर। और यही मैग्मा के बाहर निकलने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? ज्वालामुखी। और जब ये मैग्मा बाहर होकर ठंडा हो जाता है इसको क्या बोलते हैं? लावा। तो लावा किसको कहते हैं? ज्वालामुखी में जो ठंडा पदार्थ होता है जो पृथ्वी के बाहर होता है उसको बोलते हैं लावा, और पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ जो द्रवी पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैग्मा। क्लियर बात? और ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्लियर बात? तो इस प्रकार जो लावा निकला, बहुत सारा लावा निकला और खूब बड़ी बड़ी आकृति बना ले गया, वो वहां से तो बन गया, बन जाएगा पर्वत। लेकिन कुछ लावा मान लो क्या हुआ, ये मान लो पर्वत बन गया, ज्वालामुखी पर्वत बन गया, लेकिन कुछ पर्वत क्या होगा, इनका क्या होगा, अपरदन होते कारण ये लावा क्या हो जाएगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। और नीचे की ओर जब गिर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेसाल्ट चट्टान। और जब बेसाल्ट चट्टाने बन गई उसके बाद क्या होगा बेटा, बेसाल्ट रॉक के बाद अब ये चट्टानों का भी अपरदन होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, चट्टाने भी महीन कण में परिवर्तित हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएंगी, ये बन जाएगी मिट्टी बन जाएगी। और ये कौन सी मिट्टी होगी, तो ये मिट्टी कौन सी होगी, काली मिट्टी। तो बालक एक तीर से दस निशाने, एक तीर से दस निशाने, दस निशाने मतलब ज्वालामुखी पर्वत तो पढ़े, ज्वालामुखी पर्वत के बाद जो इसका अपरदन हो गया, जो पर्वत क्या भाग है टूटकर जो नीचे की ओर गिर गया उससे निर्मित हो गए बेसाल्ट चट्टाने। तो आप कह सकते हो बेसाल्ट चट्टाने किससे निर्मित होती हैं, ज्वालामुखी पर्वत से निर्मित होती हैं, यह ज्वालामुखी का उदाहरण है। और काली मिट्टी किससे निर्मित हुई, जो चट्टानों का महीन कण भाग बच गया उसको बोलते हैं ब्लैक सॉयल। और ब्लैक सॉयल यही होती है। और ब्लैक सॉयल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जो भारत में दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार,
वो किसका बना हुआ है, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। आप एक तरह से कह सकते हो दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, या दक्कन का पठार कौन से चट्टानों से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टाने, या दक्कन का पठार किस प्रोसेस द्वारा, ज्वालामुखी की प्रक्रिया द्वारा। उम्मीद करते मजा आ गया होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो। बिल्कुल नीरज जी, आरओ यारो की भी तैयारी कराते हैं, जब पीसीएस की तरह तो आरओ यारो बहुत साइड में है, ठीक है। चलिए भाई, मेरे किसको नहीं समझ में आया, अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे ना, देखो बहुत ही, और आप भी रटा करते हो, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है, काली मिट्टी, ठीक है, चाय इलायची। और अब आपको पता चल गया भारत में जो दक्कन का पठार है वो किसका एग्जाम्पल है, काली मिट्टी से निर्मित है। एक प्रकार से आप कह सकते हो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। सारे पेपर में प्रश्न आ गए होंगे, कमेंट करके बता दो भाई किसको समझ में आया अभी, क्योंकि देखो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हें समझाने के लिए, बस तुम्हें क्या समझना है भाई, ठीक है, तुम्हें क्या है बस समझना है भाई। और लेवल ऐसा मेंटेन है ना, आप पूरे यूट्यूब में जाके देख लो, आपको ये लेवल मिलने वाला है, नहीं है, गारंटी मैं दे रहा हूं। अर्जुन जी आपको आ गया, बहुत बढ़िया। राहुल आपको आ गया, सीमा प्रधान बहुत बढ़िया बेटा। प्रकाश, चलिए यही पे अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो क्या क्या एग्जाम्पल है, तो बात समझो बहुत ध्यान से, किसके एग्जाम्पल, ज्वालामुखी पर्वत की एग्जाम्पल, ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल। सबसे पहले माउंट फिजी कहां पर पाया जाता है पर्वत, जापान। फिर माउंट पिनाटुबो ये कहां पर, फिलीपींस में। माउंट फिजी, माउंट पिनाटुबो, माउंट क्राकाटोआ, और माउंट क्राकाटोआ जो स्थिति है वो कहां पर स्थित है, इंडोनेशिया में। ये मान लो आपको मजा आएगा, गारंटी बता रहे हैं, ठीक है। और एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, माउंट कोटेपैक्सी नाम सुनोगे, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटेपैक्सी कहां पर स्थित है, इक्वाडोर। ये देश के नाम भी बता दिए, अब इससे आप दो तीन निशाने लगा सकते हो। माउंट क्राकाटोआ पर्वत किस देश में स्थित है, इंडोनेशिया। वास्जेस पर्वत किस देश में स्थित है, फ्रांस। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सियरा निवेदा यूएसए। क्या आपको नहीं आएगा भाई मेरे, समझो तो चीजों को, ठीक है, समझो तो। चलिए तो उम्मीद करते सारे एग्जांपल आपको वोल्केनिक माउंटेन के बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, वोल्केनिक माउंटेन के, ठीक है। अब वोल्केनिक माउंटेन के बाद लास्ट माउंटेन का जो टाइप है वो क्या है, रेजिडुअल माउंटेन, जिसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। एक बार कमेंट करके बताओ भाई मेरे, भ्रंश पर्वत, वलित पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत में किसी को कोई डाउट है, जल्दी से कमेंट करके बताओ बालक मेरे। और देखो ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को ना शेयर करोगे ना लाइक करोगे, क्यों, क्योंकि हमसे घनघोर दुश्मनी है आपकी बहुत ज्यादा। मैं आऊं पढ़ा के चला जाऊं, आप पढ़ लोगे लेकिन गुरु का सम्मान नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आप नहीं चाहते हो गुरु आपका आगे बढ़े, ठीक है। अभी शायद पढ़ाने में कोई कमी रह रही होगी तभी आप ऐसा सोचते होगे, बाकी मैं तो अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा जी कह रही हैं कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, राहुल सिंह कोई कमी नहीं बेटा, कमी तो दिखती है ना तभी तो
तभी तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे मेरा। आज मेरा 11वां लेक्चर है, ठीक है। और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा मुझे। हाँ माना मेरी थोड़ी सी इनरेगुलरिटी थी, बट अब इनरेगुलरिटी नहीं रहने वाली, अब बिल्कुल कंटिन्यू क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है, और आग लगने वाली है। और गारंटी दे रहे हैं जो पढ़ाई कर रहा हो उससे कह देना कि कोई भी पेपर में प्रश्न ना आए तो बता देना हमें, ठीक है। अब देखना क्या अगला जो पर्वत है बहुत बढ़िया पर्वत है, रेजिडुअल, जिसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। और अवशिष्ट पर्वत इन तीनों से हटकर है, इन तीनों से हटकर है। रेजिडुअल माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन इन तीनों से हटकर किस लिए? तो देखो देखो ये हटके इसलिए है क्योंकि इसमें रेजिडुअल माउंटेन ये पहले से निर्मित पर्वत होता है। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो इस पर्वत का निर्माण किस प्रकार होता है, पवनों एवं मौसमी परिवर्तन के कारण, पवनों एवं मौसमी परिवर्तन के कारण। मतलब विंड्स एंड वेदर चेंजमेंट के कारण। क्या मतलब समझे? देखो खूब तेजी से हवाएं चलेंगी, ठीक है, खूब तेजी से चलिए, देखिए खूब तेजी से हवाएं चलेंगी, बढ़िया से। जब हवाएं चलेंगी मौसम परिवर्तन मतलब जलवायु का परिवर्तन होगा। तो सिंपल सी बात, जो पहले से निर्मित पर्वत है, मान लो ये कोई पर्वत है पहले से क्या है, बना हुआ है, निर्मित है, और जब हवाएं चलने के कारण इस पर्वत का क्या होगा, यहाँ पे अपरदन होगा, इरोजन होगा, और इरोजन होने के कारण ये पूरा का भाग कट कट के कहाँ जाएगा, एक जगह स्थिति बनाता जाएगा, और स्थिति बनाते बनाते क्या हो जाएगा, एक आकृति का निर्माण करेगा, और ये आकृति जो बनती जाएगी वो क्या बनती जाएगी, वो पर्वत का रूप ले लेगी। और जब ये पर्वत का रूप ले लेगी यही पर्वत कहलाएगा क्या, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट मतलब क्या है, अवशिष्ट मतलब है कोई चीज है उसका जो वेस्टेज पार्ट है उसको कहते हैं, क्लियर बात। और ये होगी कब, ये होगी कब, ये होगी तभी जब पवने चलेंगी, मौसम परिवर्तन होगा, ठीक है, मौसम परिवर्तन हो गया तभी इसका निर्माण होगा अवशिष्ट पर्वत। तो आप कह सकते हो पवनों या मौसमी परिवर्तन के कारण जिस पर्वत का निर्माण होता है उसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन। ये कोई पहले से निर्मित पर्वत नहीं है, ये कोई पहले से निर्मित पर्वत नहीं है, याद रखिएगा। आप एक तरह से कह सकते हो मुख्य पर्वत का, मुख्य पर्वत का क्षरण होने के कारण, क्षरण होने के कारण जो पर्वत निर्मित होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। मुख्य पर्वत का क्षरण होने के कारण जिस पर्वत का निर्माण होता है उसको कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है, क्या क्या है तो देखो। समरजीत सिंह चरण स्पर्श, बेटा खुश रहो, आशीर्वाद हमारा सभी बच्चों के साथ, और आप लोग जरूर सफल होगे। बस उसी दिन हमें खुशी मिलेगी कि जब आप लोग सफल होगे और हमारे इस छोटे से स्टूडियो में हमारे साथ आप वार्तालाप कर रहे होगे। ये मान लो एक अलग दिशा में, एक नई दिशा में जो अग्रसर है टीम, ये बहुत अलग जाएगी, और मैं पूरी ताकत लगा दूंगा कि बच्चा यहां से जो पढ़ के जाए उसको कहीं पर भी और आवश्यकता ही ना पड़ने की, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देखो, सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल क्या, अरावली।
अरावली पर्वत तभी तो कहते हैं विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, और ये पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और अरावली एक प्रकार से किस पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कभी कभी ऑप्शन में अरावली पर्वत अवशिष्ट एग्जाम्पल ऑप्शन ही नहीं आता, तो क्या आता है वहां पे, ऑप्शन आता है कि वलित पर्वत लिखा हुआ होता है तो अरावली वलित पर्वत में लग जाता है, क्योंकि वलित पर्वत का क्षरण होने के बाद जो बना वो रेजिडुअल माउंटेन बना। तो ऐसे मेनली आप लगाओगे अरावली माउंटेन इज अ रेजिडुअल माउंटेन, नो डाउट। ठीक है, अरावली के बाद पारसनाथ, फिर गैसायम बूटे, ये जो पर्वत पड़ते हैं गैसायम बूटे, ये कहां पड़ते हैं गैसायम बूटे, ये पड़ते हैं भैया यूएसए में, और यही पर एक पड़ता है विंध्याचल पर्वत, ये भारत में पड़ता है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं अवशिष्ट पर्वत के, अवशिष्ट पर्वत के। चलिए बहुत बढ़िया, आवर गुड वीडियोज कह रहे हैं फुल सपोर्ट फ्रॉम असम, थैंक यू बेटा, बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है अर्जुन जी, सर आप टेंशन मत लो, आग लगा देंगे एग्जाम तो होने दो, बिल्कुल आग लगाओगे, और जो चीज मैं आपको पढ़ा दूंगा वो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, एक बार में क्लियर होगी गारंटी बता रहे। ठीक है बिल्कुल समरजीत सिंह, टुडे इज इंटरनेशनल माउंटेन डे, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। चलिए बहुत, तो उम्मीद करते हैं सारे पर्वतों के प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर मैं आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछूं, अरावली पर्वत, हिमालय, माउंट कोटेपैक्सी, ठीक है, और साल्ट रेंज, चार प्रकार के ऑप्शन आ गए आपके पास। आपसे पेपर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण आप क्या बताओगे, देखते हैं कितने लोग बताएंगे। हाँ आवर गॉड वीडियोज कह रहे हैं सर एमसीक्यू कब करेंगे, बहुत जल्द एमसीक्यू भी करेंगे, सब इंडियन ज्योग्राफी जो हमने चैप्टर खत्म किया उसके एमसीक्यू होने वाले, जल्दी बताओ एमसीक्यू, ये पहले जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ एमसीक्यू का वो आप बताइए कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण आप कह सकते हो क्या है, अरावली पर्वत। यहीं पे आपसे प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण है, जल्दी बताइए वलित पर्वत का कौन उदाहरण है फोल्डिंग माउंटेन का, तो अगर यह प्रश्न आ रहा है तो फोल्डिंग माउंटेन का एग्जाम्पल क्या है, हिमालय। आप एग्जाम्पल को पकड़ना, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है, तो वोल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल है माउंट कोटेपैक्सी, जो विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनिक माउंटेन जो इक्वाडोर में स्थित है, और इक्वाडोर की कैपिटल है क्यूटो, क्यूटो, क्यू आई क्यू यू आई टी ओ, वोल्केनिक माउंटेन। और साल्ट रेंज का एग्जांपल है तो याद रखिएगा ब्लैक माउंटेन का। अरे भाई अब तो बता दो कमेंट करके कि आज की क्लास में, आज की क्लास में पर्वत एवं पर्वत के प्रकार तुम्हारे दिमाग में छप गए कि नहीं छप गए, या दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जल्दी से बता दो। और जिन बच्चों को पूरी पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, वो हमारा स्टडी पाई एक ऐप है, स्टडी पाई ऐप है, वहाँ पर हमारे द्वारा पूरी की पूरी पॉलिटी और उसके नोट्स भी बनवाए गए हैं, और पॉलिटी का आप चार्ज दे सकते हो बहुत ही कम चार्ज में, पूरी की पूरी पॉलिटी मैंने कवर की हुई है, आप स्टडी पाई ऐप पर जाके पॉलिटी को सर्च कर सकते हो,
पॉलिटी वहाँ पे आप पढ़ सकते हो पूरी की पूरी, हमारे द्वारा पॉलिटी पढ़ाई गई है वो, ठीक है। स्टडी पाई ऐप प्ले स्टोर में स्टडी पाई ऐप आप देखिए, वहाँ पर पॉलिटी को आप देखिए, अगर पढ़ना हो जिनको आप पढ़ सकते हो। सेजल जी यस सर पूरा क्लियर है, लर्न ही तो हो गया आप तो, थैंक्स सर। चलिए आज के बाद जीवन में पर्वत के आपका कोई डाउट नहीं रहेगा और एक एक टॉपिक को बस कवर करो वही बहुत है, ठीक है। सीमा प्रधान आपको पढ़नी है, आप स्टडी पाई ऐप पर जाइए, वहाँ पर स्टोर में पॉलिटी राघव सर के द्वारा आपको मिलेगी और बहुत ही कम प्राइस में, जो साथ में नोट्स भी बने हैं, ठीक है। जिन बच्चों को पॉलिटी पढ़नी है एक बार आप जाके देखो, वहाँ पे डेमो देखो जाके, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या लेवल हमने मेंटेन किया। बिपिन जी सुपर सर थैंक यू डा, कपिल चल बहुत बढ़िया बच्चे हो, मज़ा आ गया ना। अच्छा सीमा जी कह रहे हैं आप पॉलिटी भी बहुत अच्छे समझाते हैं, अच्छा पॉलिटी समझाता हूँ, जियोग्राफी नहीं समझ में आती, सिर्फ पॉलिटी समझ में आती, जियोग्राफी नहीं समझ में आई। चल बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे कह रहे थे सर ठंडी हो गई आपको ठंड नहीं लगती, तो आज मैं ये ब्लेजर में आ गया और शायद बहुत बच्चों को पसंद भी ना आ रहा हो, क्यों कि सर तो पूरा रंगबाजी में आ गए यहाँ पे जैसे शादी में जाया जाता, बट ऐसी कोई बात नहीं है बच्चा, मजा आया ना। अच्छा सीमा जी कह रही सर डेमो देखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका प्यार है हमारे प्रति, चलिए बहुत बढ़िया समझ में आ रहे हैं। वर्मागर वेरी नाइस, अर्जुन गुरुजी मस्त पढ़ाया, थैंक यू डा। चलिए उम्मीद करते सभी बालकों को बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ निर्मल सिंह कह रहे हैं लाइक दिस वीडियो, थैंक यू डा, आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो प्यार कर रहे हो, मैं आपके इस सपोर्ट का एहसान मंद रहूंगा, क्यों बहुत बढ़िया। चलिए अर्जुन जी समरजीत सिंह, चलिए निशा क्या बात है, सुमित, चलिए साथियों अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपको एक नए सेशन के साथ, कल सैटरडे संडे तो तक कल तो हमारी क्लासेस ऑफ रहेंगी, अब मंडे को जो क्लासेस हमारी होंगी, मंडे टू फ्राइडे ज्योग्राफी क्लास चलती हैं और रात्रि में 8 बजे तक, ठीक है। तो कल और परसों आप लोग रिवीजन करिए जितनी क्लासेस हो चुकी हैं, और जो 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक क्लासेस हो गई, जिन बच्चों ने अभी नहीं किए नोट्स नहीं बनाए आप नोट जरूर बना लीजिए, ठीक है। चलिए साथियों मिलते हैं आप नए वीडियो के साथ, शुभ रात्रि, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत।